नमस्कार। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। आपल्यापैकी बरेच जण घरगुती क्राफ्ट करतातच, आणि त्याच्याबद्दल मला ज्या काही तुम्हाला आयडिया सुचवायची इच्छा होते त्याप्रकारे मी तुम्हाला माझ्या मला जसं जमेल तसं काही आयडिया द्यायचा प्रयत्न करणार आहे आज। आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा आज विषय शिकायचा आहे तो चित्रापासून 3D कसं बनवावं। म्हणजे आपल्यापैकी बरेच जण फुलं पानं बनवतात, बऱ्याच लोकांना काही प्राणी किंवा माणसं बनवायची इच्छा असते, पण ते बनवता बनवता एक मिनटं मी माती घ्यायला विसरलो आहे, जरा माती घेऊन ये। गॅलरीमध्ये बघ मोठी, आपले हे जे काही टूल्स आहेत हे कोणकोणते टूल्स मी वापरणार आहे ह्याच्यात ते बघून घ्या। हे टूल्स कसे बनवावे हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगू शकतो। हळूहळू मी साधारणपणे रोज 10 वाजता लाईव्ह येण्याचा प्रयत्न करणार आहे। हे काही टूल्सचे आकार आहेत जे आपल्याला मातीकाम करताना म्हणजे कोणत्याही कलेचं काम करताना उपयोगाला ठरतात। हे वायर टूल्स आहेत जे आपल्याला नेहमी उपयोगाला पडतात। हे मेटलचं टूल आहे। त्याच्यानंतर हे वायर टूल आहे। हार्डवेअरच्या दुकानामध्ये अगदी सहज उपलब्ध असलेली तार आहे ज्याच्यापासूनही आपण टूल बनवलेली आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की आपण बऱ्याच वेळा मातीपासून बऱ्याच गोष्टी बनवत असतो पण आपल्याला त्याचे सारखे आकार करता येत नाही। म्हणजे आपण आकार सारखे करायचे असतात, त्याला वेळ जातो आणि वेळ गेल्यामुळे आपल्याला आता हे जे आपण काम करणार आहोत त्यात बऱ्याच प्रकारची कामं करतात। बहुत सारे लोग एमसील से काम करते हैं। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा क्योंकि सब लोगों को हिंदी कंफर्टेबल रहेगा ऐसा समझता हूँ। तो पहली बात, हम कौन कौन से मीडियम में काम करते हैं। ये तो शाडू की मिट्टी है, गणपति बाप्पा जिससे बनते हैं। ये एयर ड्राई रहता है, इसका पाउडर मार्केट में मिलता है, पानी डालने से वो अच्छे से मिक्स करने से ये ऐसा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जब ये बनाते हैं तो उसको इतना चिकना होना बहुत ज़रूरी है। अभी कोई भी काम हम जब करते हैं या कोई अभी पहले तो शुरू में मैं आपको हम लोग कोई मणि बनाते हैं या कोई पंखुड़ी बनाते हैं तो उसका सेम टू सेम लाने के लिए हमें बहुत सारा वक्त लगता है। तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो किसी भी आकार का एक चपटा शेप बनाइए। मट्टी हाथ को चिपकती है तो वो नहीं चिपके, इसके लिए दबाने का कोई तरीका रहता है। हर कोई चीज़ जो इस काम में बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बोलने की कोशिश करूँगा। आपको कोई भी अड़चन है या कोई भी प्रॉब्लम है जो मैं बात कर रहा हूँ आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9987557697। ये जो मैंने टूल बनाया है वो अगर आप मिट्टी को इसको दबाएंगे तो एक शेप तैयार हो जाता है। ये शेप हम निकाल भी सकते हैं तो ये चपटा हो जाता है। अगर इस आकार ये आकार जमीन पे रख के या कोई प्लास्टिक के टुकड़े के ऊपर करके लिया तो नीचे चिपकेगा भी नहीं। यानी कोई भी, अभी मैं फिर से इसको इस मट्टी को मट्टी बनाता हूँ।
इसको प्लास्टिक के पेपर के ऊपर रखिए। ये प्लास्टिक के ऊपर आप प्लास्टिक अगर आप यूज करते हो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आता है। एमसील से भी आप काम करते हो तो प्लास्टिक के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगाओ, एमसील से काम हो जाएगा। अगर मिट्टी से काम करते हो तो भी प्लास्टिक के ऊपर आप दबा के कुछ काम करते हो। अभी मैं खाली एक ही आपको करके दिखाऊंगा। ये यहाँ से ये टूल से हम इसको दबाएंगे, फिर ये मिट्टी बाहर आएगी। साइड सा जो पोर्शन एक्स्ट्रा है वो प्लास्टिक होने के वजह से आराम से निकल जाएगा। तो आपका ये राउंड तैयार हो गया। अभी आपका जो ये मिट्टी का पोर्शन है वो बहुत बड़ी बड़े पैमाने में अगर आपको बहुत सारे मणि बनाने हैं तो एक जैसे मणि बनाने हैं। अगर आपको ये चपटा ही रखना है तो चपटा रख सकते हो। अगर राउंड बनाना है तो आपको मिट्टी कितनी लेनी चाहिए ये टेंशन खत्म हो जाता है। फिर हर मणि आपका इस साइज से बन जाएगा। अभी मणि बनाना और एकदम सिंपल से कैसे बनाना, ये एक आसान तरीका मैंने बोल दिया। बहुत सारे लोग चेहरा बनाने की कोशिश करते हैं, फेस। तो फेस बनाने का सबसे आसान तरीका मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सीधा गोल बनाइए, ये गोल बनने के बाद उसको, अभी सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लोग कोई भी 3D चीज़ बनाते हैं, मतलब मिट्टी से कोई भी चीज़ बनाती है जो चारों ओर से दिखती है, उससे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो चीज़ को आप चारों ओर से देख के बनाइए। बहुत बार अभी मैंने एक मेरे पास कपड़ा लिया है, सबसे बड़ा प्रिकॉशन हमको लेना है कि हमारे पास एक ड्राई क्लॉथ होना चाहिए, जिससे हम जब मिट्टी नेचुरल एयर ड्राई से जो सूखती है वो मिट्टी पानी से भिगोई जाती है। तो ये मैंने अच्छे से पहली बात मैंने अभी मेरे आपको बताते बताते ये मिट्टी सूख सकती है, इसके लिए मैंने थोड़ा पानी हाथ में लिया है। नहीं तो कभी भी एक बार मिट्टी ऐसा करने के बाद अब उसको फिर से पानी का हाथ नहीं लगाना है। अगर आप लगाओगे तो मिट्टी बहुत चिकनी हो जाती है और वो अपने हाथ को चिपकती है। तो मैंने फिर से ये गोल बना दिया। ये गोल बनाने के बाद आपको उसको चारों ओर से देखना है कि ये गोल है। गोल होना ज़रूरी नहीं है, अपने को जो शेप बनाना है फेस बनाने के लिए, सबसे पहले ये बनाने के बाद उसको आप ऐसा दबाइए। ये बनाने के बाद अभी आप ये फेस को चारों ओर से देखिए कैसा दिखता है, यहाँ से चपटा। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि अपने फेस का फ्रंट पोर्शन कौन सा है, तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे हम। ये मार्किंग करने के बाद ये फेस को हम थोड़ा सा ओवल शेप चेहरे के जैसा बनाएंगे। फिर साइड में जाएंगे, यहाँ की मिट्टी निकाल देंगे। चेहरा बनाने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, इसमें से जो मुझे आसान लगता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो चेहरा, हमें जिस भी व्यक्ति का चेहरा बनाना है, अगर हम लोग आदमी या औरत का चेहरा बनाते हैं तो किसी का भी चेहरा अपने पंजे के इतना ही होता है, यानी यहाँ से इतना जो साइज़ है, हर किसी का पंजा अलग साइज़ का रहता है, तो इतने साइज का ही पंजे का इतना अपना चेहरा रहता है। तो अगर आपका आपका मूर्ति 5.5 फुट का रहेगा तो आपके पंजे का इतना, या आपके पंजे के साइज के 7.5% आपकी पूरी बॉडी बनती है। अगर आदमी खड़ा है तो, अगर बैठा है तो 5.5, और जमीन पे बैठा है तो 4.5। तो पहले हम लोग ने गोला बनाया, फिर गोले को सामने से ऐसा शेप दिया, पीछे से उसको निकाल दिया ये शेप बड़ा। अभी ये शेप आप ऊपर से, जैसे मैंने आपको पहली बार ही बोला था कि चेहरा बनाने के वक्त आपको चारों साइड से, आठों साइड से, जितने भी साइड है उस चीज को, चित्र को, वो सब
साइड से आप देखो, अभी ये देखो, ये सामने से है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये चेहरे का मार्किंग हमने किया है, इसको हम लोग ऐसे ऊपर से देखते हैं तो ये कैसा है। आपके बहुत लोगों के पास एनाटॉमी के बुक्स रहेंगे, या एनाटॉमी अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे भी अभी कोई भी चैनल पे आप देखेंगे एनाटॉमी फेस, तो आपको ये सब डिटेल्स तो दिखेंगे, उसके पिक्चर्स भी मिलेंगे। ये ऊपर से है, ये नीचे से है। अभी ये बनने के बाद हम इस पोर्शन का नेक मान बनाएंगे। अभी इस मट्टी को इसको ऐसे ही चिपकाएंगे तो शायद वो निकल जाएगी, इसीलिए इसको ऐसा नहीं चिपकाना है। उसको हम पानी लेके पहले ऐसा अपने पास जो भी टूल रहेगा उसको ऐसा करेंगे, इससे उसको गीला होने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे चिपकाएंगे। और ये चेहरा हाथ में लेके बनाने की वजह से 10 बार वो अपना अपना शेप चेंज करेगा। तो ये अगर आप साइड से देखेंगे तो ये पूरे नेक, अपने नेक का पोर्शन है, साइड से ऐसे दिखेगा। अभी मैं आपको ये टूल से दिखाता हूँ, ये अपना ऐसा पोर्शन है, ऐसा ही पोर्शन आपको यहाँ से करना है। ये होने के बाद ये पोर्शन हो गया, ये आपको आ गया, मतलब आपको अच्छे से फेस बनाने को आ जाएगा, इतना आसान है फेस बनाना। ये होने के बाद अभी अपने जो नाक है, नाक के पोर्शन के इतने ही अपना ये पोर्शन रहता है। ये हो गया अपने नाक का पोर्शन, ये हो गया अपना नीचे अंगूठी, और ये ऊपर अपना फोरहेड, ये पोर्शन। ये बनाने के बाद आपको खाली आपके उंगली से उसको दबाना है, ऊपर के ओर ज़्यादा और नीचे के ओर कम दबाने से ऊपर कम हो जाता है और नीचे ज़्यादा हो जाता है। ये होने के बाद आपको इसको साइड से देखना है कैसा दिखता है। धीरे धीरे जैसे आपको समझता है वैसे उसको शेप देना है। बाद में ओठों का शेप देने का है। ये जो टूल मेरे पास है इससे सब आसानी से शेप आ जाता है। ये टूल कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये नाक होने के बाद आप इसको ऐसे से फोल्ड कीजिए, यहाँ पे अपना चेहरे का जहाँ पे आँख होगी वो खड्डा बनेगा। फिर यहाँ पे ओठों की लाइन आएगी नीचे की, ये ओठों के बीच में की लाइन आएगी। अभी नाक के नीचे का पोर्शन आएगा। ये लाइन मारने के बाद आपको इसको धीरे धीरे डेवलप करना है। ये जैसे मैंने आपको चेहरा बनाने का इनिशियल बना बताया है, जैसे ये चेहरा बहुत छोटा है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स इसमें आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि आप आज का अपना मेन जो है सेशन वो है प्लेन पिक्चर से 3D कैसा बनाना है। ये हो गया अपना चेहरा। अभी हमें आँख बनानी है, तो मैं एक बड़ा चेहरा भी कुछ दिन के बाद आपको बनाना सिखाऊंगा, चेहरा कैसा बनाते हैं, फेस, पूरा फेस कैसा बनाते हैं, इसके लिए भी मैं लाइव आने वाला हूँ। तो सबसे पहले आँख बनाने के पहले आप ये आँख के साइज का एक छोटा सा मट्टी का टुकड़ा यहाँ पे लगा दिया, फिर ये पॉइंट वाला जो टूल है इसको आप यहाँ से दबाओ,
नीचे का पोर्शन उसमें मर्ज करो। ये आंख बन गई। अब ये जो मैंने यहाँ पे डिप किया हुआ है उसको खाली मिक्स करेंगे, बस खाली अपने जो चिक्स है, गाल है, गाल में इसको मिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे। ओठ का जो हमने लाइन दिया था उसको, ये राउंड एक ही जो मैंने टूल यूज किया है वो एक ही है, पॉइंटेड टूल। देखो ये ओठ के जैसा लगने लगा है। अभी कोई भी, हम लोग बहुत बार फेस बनाते हैं लेकिन वो हंसता हुआ नहीं दिखता है, तो कोई भी चीज हंसता हुआ दिखने के लिए ये जो चिक लाइन, ये जो लाइन है वो जब हम यहाँ पे करते हैं तो वो हंसता हुआ दिखता है। वैसे भी अभी हंसता हुआ दिखता है लेकिन जब हम उसको फाइनल करते हैं तो उसका डिटेल्स चेंज होते रहता है। तो मेन मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी चीज़ हंसता हुआ देखना है तो ये जो पोर्शन है वो ऊपर रहेगा, तो वो व्यक्ति, वो लड़की या वो लड़का हंसता हुआ दिखता है। अभी उसको आराम से, अगर उसको लड़का बनाना है तो मूछ का पोर्शन लगाएंगे, लड़की बनानी है तो ये तो पहले हमने जो मार्किंग शुरू में किया था वो पहले हम इसको मिटा देते हैं। इसको थोड़ी सी बिंदी लगा देंगे छोटी सी तो ये लड़की दिखेगा। अभी लड़की अगर आपको दिखाना है तो ये पोर्शन अच्छे से नाजुक करके ले लेना। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि कौन सा पार्ट कितना होना चाहिए। जैसे मैंने नाक की लंबाई आपको बोल दी कितनी होनी चाहिए, तीन पार्ट अपने को फेस का बनाना है। एक नाक, नाक के साइज का नीचे अंगूठी तक, और ऊपर से ये अपना फोरहेड। ये तीन पार्ट में होने के बाद दो आँखें, ये दो आँखों के बीच में जो अंतर रहता है, ये और ये, यानी ये अंतर जो रहता है वो एक आँख इतना होना चाहिए। एक आँख जो साइज की रहेगी वही अंतर यहाँ का रहेगा। अगर उससे कम रहेगा तो चेहरा अच्छा नहीं दिखता है। दूसरी बात, ये जो आँख है ये जहाँ से शुरू होती है वो जहाँ से नाक का एंड होता है, नाक का ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ जहाँ से एंड होता है वहाँ से आँख की शुरुआत होनी चाहिए, और आँख का जो सेंटर है वहाँ पे अपने ओठ खत्म होने चाहिए। अभी मैंने पहले बनाया हुआ चेहरा मैं फिर से नहीं बनाऊंगा। मैंने, मेरे को जो आपको बोलना था वो मैंने अभी आपको बोल दिया है, क्योंकि मैं फेस के लिए डिटेल्स में जो बोलूँगा, फेस जो कैसा बनाना है, अच्छा फेस कैसा बना सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो आपको लाइव जाऊंगा। तो ये हो गया फेस। बाद में आता है कान। अपने लगभग अपने आंखों के जो ये एरिया है उसका इतना ही अंतर यहाँ पे छोड़ के आपको यहाँ कान बनाना है। अगर कोई भी मेजरमेंट आपको याद नहीं आता है तो आप आपके खुद का चेहरा किस कैसा है वो देख लेना। जैसे अगर हम ये उंगली अपने हाथ पे रखते हैं, आँख पे अगर हम ये उंगली रखते हैं तो अपने चार नाक से चार उंगली रखेंगे तो अपनी ये पूरा पोर्शन ढक जाता है। अब इस पोर्शन से हम यहाँ पे चार उंगली रख देंगे तो यहाँ से कान चालू होता है। मेरा आपको बोलने का जो, मेरे को जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि कहाँ से कान चालू हो जाएगा।
तो अभी मूर्ति में, अभी इस मूर्ति में मुझे ये जो साइज है वो देना है। मैंने यहाँ से उंगली पकड़ी, यहाँ पे आग के ऊपर रख दिया, अभी ये यहाँ पे रख के यहाँ पे कान का मार्किंग कर दिया। फिर जैसे हम लोग ने नेक बनाया था वैसे कान का पोर्शन भी यहाँ पे थोड़ा सा मट पानी और लगा के वहाँ पे कान का पोर्शन बना देंगे। अभी जैसे मैं बड़ा फेस आपको दिखाऊंगा उस वक्त आपको कान के डिटेल्स यानी पूरे आँखों के डिटेल्स, पूरे कान के डिटेल्स, पूरे नाक के डिटेल्स और ओठों के डिटेल्स मैं बोलते जाऊंगा। आज इतने छोटे से यह आर्टिकल जो है जो मैं बना रहा हूँ वो अच्छे से मैं डिटेल में नहीं दिखा सकता, तो मैं जब आपको फेस का लिए बोलूँगा शायद उससे पहले नाक कैसा बनाना चाहिए, कान कैसे बनाना चाहिए, आँखें कैसी बनानी चाहिए, इसका भी वीडियो मैं ले लूँगा। तो ये कान, कान और गाल, इसके कान में कुछ लगा देंगे जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि लेडीज और जेंट्स, तो अगर आपने बिंदी लगाई है तो यहाँ पे कान में कुछ डालेंगे। तो ये बहुत बड़ा है, हर जैसे 3D में या कोई भी ड्राइंग में प्रोपोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आपने प्रोपोर्शन गलत कर दिया तो वो चीज़ गलत हो जाती है। अभी यहाँ पे दूसरी बात है, ओठ के नीचे हम लोग को एक थोड़ा खड्डा बनाना है, अनुवटी, मराठी मध्ये त्याला अनुवटी बोलतात, हिंदी मध्ये काय बोलतात मला माहित नाही, छोटा सा एक्चुअली ये शुरू जो हम लोग फेस करते हैं उसमें ही इसका जगह और ये पोर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी ऊपर से भी अगर उसको चिपकाना है थोड़ा पानी लगा के हम इसको चिपका सकते हैं। तो ये अपना फेस बन गया। जैसे और एक इम्पोर्टेंट बात रहती है, अगर स्त्री का चेहरा बनाना है तो यहाँ पे बिंदी लगाइए, वहाँ से एक सेंटर को हम लोग लाइन मारेंगे, इसको यहाँ से नीचे के ओर लाइन मारेंगे और जैसे पहले बना बोला था वैसे यहाँ से पानी से उसको ऐसा अपने जो टूल से है ऐसा करके फिर उसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे। ये स्त्री का चेहरा हो गया। फिर जब अपने बाल बड़े अच्छी, अगर अच्छा चेहरा बनाना है तो बाल बड़े होंगे, तो बाल बड़े होने के वजह से यहाँ पे ये बढ़ेगा, टॉप साइड से इसको देख सकते हो। अभी उसको जैसे नाजुक नाजुक करते जाएंगे बहुत सुंदर ये चेहरा हमारा बन सकता है। जो हम लोग ने नेक पहले बनाई थी उसको अच्छे से शेप देंगे। ये मैंने पूरा दोनों साइड से चेहरा बनाया नहीं है, टाइम बचे आपके कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा
बताने की कोशिश है, इसके वजह से मैं पूरा फेस नहीं बना रहा हूँ। यह आप घर में करके देखिए, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे पूछिए, मेरे को टाइम अच्छे से रहेगा तो मैं 100% आपको उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो यह हाफ फेस मैंने बना दिया है, अगर आप खाली इसको ऐसा पीछे से लगा देंगे तो ये चेहरा बनता है। इसको आप कुछ ऑर्नामेंट की जगह पे डालेंगे, ये बाद में बात है, जैसे आपको इतना आ गया तो उसको आप डेकोरेट कर सकते हो। तो आज मैं जो आपको मेनली सिखाने वाला था वो पिक्चर से 3D कैसे बनाएंगे। इसके लिए अभी मैं चेहरा तोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो अपने पास बहुत सारी मिट्टी नहीं है, तो मेरे को मिट्टी संभाल के बनानी पड़ेगी। अभी ये मेरे पास जो मिट्टी है उसको मैं अच्छे से मिक्स करके ले रहा हूँ। अभी मिट्टी कैसी बनानी चाहिए, जैसे अपना कोई भी चेहरा बनाने, यानी आपको पिक्चर से, कोई भी पिक्चर से आपको एक चेहरा बनाना सिखा रहा हूँ आज मैं। तो अभी इस मैंने अभी जो फेस बनाया था वो इस मिट्टी में मैंने मिक्स कर दिया है, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके, आपको पता चल रहा है जैसे दबाने से मिट्टी कैसी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप जिस चीज़ से कोई भी बना रहे हो वो चीज़ कैसी है, यानी उसकी थिकनेस, वो कितनी पतली है, कितनी फ्लेक्सिबल है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आप मीडियम कौन सा भी यूज़ करो, एमसील यूज़ करो, एमसील तो आपके हाथ में नहीं है, वो जितना है उतना ही गाढ़ा रहेगा। बाद में सिरेमिक क्ले है, अभी बहुत सारे लोग इसमें नए रहेंगे जिनके पास मट्टी नहीं है लेकिन वो कुछ बना के देखना चाहते हैं। शायद मैं कल के वीडियो में या तो परसों के वीडियो में घर में जो आटा है, मैदा है या तो रोटी बनाने का आटा है, उससे कुछ बना सकते हैं क्या, ये दिखाने की कोशिश करूँगा। कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने खुद ने ही आज तक वो करके नहीं देखा है। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक प्लास्टिक का टूल बनाया है जो आप बना सकते हो। प्लास्टिक का जो अपना एक्सरे फिल्म रहता है उसको आप अगर गोल से गोल करके उसको सेलोटेप लगाएंगे और चिपका देंगे तो आपको कोई भी बने हुए चीज़ पे अगर डिजाइन प्रिंट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। बराबर से सीधे से नीचे कट करो और आराम से दबाओ। तो बाद में आपके पास तार भी अभी नहीं रहेगा, लॉकडाउन है, तो घर में जो हेयर पिन है, हेयर पिन का आकार आप ऐसा बनाओगे, आपके पास जो पकड़ रहेगी, चिमटा रहेगा, उससे बना के भी आप ये सब डिजाइंस बना सकते हो। हेयर पिन से भी अच्छा डिजाइन होता है। या आप कट भी छोटा पतला बनाओगे ऐसा, तो कट करोगे तो वो शेप भी आपको मिल जाता है, कट किया हुआ शेप मिल जाता है, आप बाद में उसको निकाल दो, ये पॉइंटेड शेप आपको मिल गया। आपको त्रिशूल बनाना है, तलवार बनानी है, भाला बनाना है कभी, तो आप ये ऐसे कुछ शेप बना के उससे बना सकते हो। दूसरी और एक बात है कि मैंने पत्रे का एक टूल बनाया है, पत्रे को फोल्ड किया हुआ है, इसके अंदर मिट्टी डाली हुई है, ये सूखने के बाद अभी मैंने तो इसको, आप फेविक्रिल का कोई भी कलर लगाओ अंदर से, वो कलर लगाने के बाद, अभी तो मैंने मिट्टी डाली है उसको कलर नहीं लगाया क्योंकि अभी टूल मैंने खाली आपको दिखाने के लिए टेम्पररी बनाया है। इसको ऑयल या तो ग्रीस लगा के या तो कोई भी अपना जो हम लोग फेस के लिए जेल यूज़ करते हैं वो जेल यहाँ पे यूज़ करना है और इसको भी आराम से दबा के शेप्स तैयार हो जाते हैं। तो ये शेप होने के बाद आप इसको
जैसे अभी फूल बनाना है तो ऐसे आप फूल बना सकते हो, तो फूल का शेप आ जाता है बीच में जो गोल बनता है, तो ये जो टूल है इससे आप इसको बीच में गोल बनाइए तो फूल के जैसा आकार आ जाता है। दूसरा पत्रे से मैंने ये शेप बनाया है, इससे भी आप इसको ये कर सकते हो। फूल बनाने का एकदम आसान तरीका, शुरू में ही मैंने आपको बोला था ये जो टूल है इससे मैंने सेंटर लगा दिया, ये फूल बन गया। अभी आप मैं टूल्स कैसे यूज करेंगे इसके लिए ये आपको मार्किंग मिल गया। ये मैं बहुत शुरू जो काम जो जिनको काम करने को अच्छा लगता है लेकिन डर लगता है कि मुझे ये आ जाएगा कि नहीं, बहुत शुरू में हम कैसे करें, इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप शुरू करते समय इस तरीके से कीजिए। तो ये बन गया फूल। अभी हमारे मेन पोर्शन जो है जो पेपर से कुछ बनाना है, मैंने ये मिट्टी अच्छे से पानी डाल के नरम कर दी है। अब ये हाथ को चिपके नहीं या चिपक रही है, तो अभी इसको आप देखो कैसे दिख रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए। ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, फिर मेरे हाथ अच्छे से साफ कर लिए। मैंने जेरोक्स निकाला हुआ है जो घोड़े का आकार का है। दो तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो, शुरू करने से आप दो तरीके से कोई भी पिक्चर से 3D बनाने का शुरुआत दो तरीके से कर सकते हो। तो जैसे मैंने पिक्चर निकाला हुआ है, इसको मैं पहले कट कर लेता हूँ। हम लोग कोई भी चीज आसान तरीका जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये पिक्चर मेरे पास है, ये घोड़ा मैं पूरा नहीं बनाने वाला हूँ। आपको इनिशियली मेरे पास अपने पास जो मिट्टी है वो अपने प्लेन पेपर से 3D कैसे बनाएं उसके लिए कुछ तरीका बताने की कोशिश करूँगा। ये एक चपटा ऐसे बना दिया, ये पिक्चर इसके ऊपर रख दिया। और बाद में ये पेपर मुझे और भी यूज करना है, क्योंकि मैं दो तरीके आपको बोलने वाला हूँ, जो आपको आसान लगे वो आप करके देखिए। कोई भी पिक्चर का आउटलाइन जो है वो आपको यहाँ से करके लेना है। तो जैसे मैंने ये कर दिया तो यहाँ पे आउटलाइन आ गया, ये घोड़े का आउटलाइन आ गया। अभी इसको मैं कट कर लूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि कोई भी शेप बनाने का बहुत आसान रहता है, उसका तरीका कैसा है, हम किस तरीके से उसको बनाते हैं उसके ऊपर वो रहता है। ये मट्टी मेरी टूल इस टूल को चिपक रही है,
तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी में उसको डिबा डुबा दिया है। अगर छोटे बच्चों को आपको सिखाना है तो खाली इतना ही बना दिया तो घोड़े का पीछे का पोर्शन बन गया। अभी आप उसको पूंछ लगाओ, घोड़े का पीछे का पोर्शन दिखता है। ये हो गया पिक्चर से फ्लैट कैसे बनाना है। अभी मेरे पास जो पिक्चर्स है जो मैंने कट किया उसमें अगर आप देखोगे तो घोड़ा पीछे से कैसे दिखता है इसके लिए कुछ पोर्शन पिक्चर्स है। घोड़ा आगे से कैसे दिखता है, घोड़े के पैर कैसे दिखते हैं, उसकी डिटेल्स है। ये सब डिटेल मैंने गूगल से लिए हुए हैं। तो आप अगर हॉर्स डालोगे, अनाटॉमी डालोगे तो ये पिक्चर आपको कौन से भी सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। वो आदमी का लो, औरत का लो, कोई भी प्राणी का डालो, आपको मिल जाएगा। तो ये जो घोड़ा है, जैसे मैंने ये घोड़े का फ्लैट पोर्शन ये हमने बनाया है, अभी हम इसको रखेंगे, सेम टू सेम है। अभी ये रखने के बाद पीछे से हम जब उसको करना कर चालू करते हैं, अगर इसको कितना जाड़ा बनाना है ये करने के लिए हमारा फ्लैट पोर्शन, ये जो फ्लैट पोर्शन है ये घोड़े का सेंटर हो गया। यानी इसके इस बाजू में इस साइड का पैर आएगा, इस बाजू में इस साइड का पैर आएगा। तो बाद में आप अगर सोचोगे तो घोड़े का जो मांडी रहता है, पीछे का जो मांडी रहता है वो पेट से ऊपर रहता है। तो बनाएंगे कैसे, हर चीज़ हम लोग एकदम आसान तरीके से बनाना की बनने की कोशिश करेंगे। ये मैंने ये बना दिया, इसको छोटा सा एकदम पतला जो पोर्शन रहेगा वो ऊपर रहेगा, यहाँ पे लगा दिया। बाद में ये होने के बाद मैं घोड़े का फेस आपको बना के दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इतना हमें ऊपर लेना है, जो मांडी का पोर्शन है वो इतना लेना है। ये एक अंदाजा आ गया। फिर हमें घोड़े का पेट कितना बनाना है, एक यहाँ से एक करके यहाँ पे वो बड़ा होगा तो अगर आपको सचमुच में घड़ा बनाना है और वो खड़ा भी रखना है, यानी खड़ा भी होना चाहिए ऐसा अगर आपको बनाना है, तो आप उसको स्ट्रक्चर बनाओगे, पहले तार का स्ट्रक्चर बनाओगे, चारों पैर का स्ट्रक्चर बनाओगे। इतना आसान तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी अभी किसी को बनाना चाहता है, आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो अगर आपको बनाना है तो उसको तार से एक स्ट्रक्चर बनाओ, नीचे एमसील या लकड़े के पेट के ऊपर चिपकाओ, फिर बनाओ। ये हो गया उसका पेट का पोर्शन। देखो, अगर ये आप यहाँ से देखोगे आधा ही पैर है, इसके बाजू में उसका आधा पैर रहेगा, तो ये सामने से ऐसा दिखेगा, नीचे से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। जैसे मैंने ये अंदाजे से लगाया है वैसे आप भी उसको अंदाजे से ही लगाओगे। अभी आपको खाली सिंपल काम करना है, जैसे ये यहाँ का पोर्शन है तो उसको ये मट्टी लगा के बस फिल कर दो।
जैसे मैंने पहले यहाँ पे छोटा बनाया था, बाद में यहाँ पे बड़ा बनाया, उसको खाली भर रहा हूँ सिंपल। तो आपको बाद में जाके कुछ नहीं करना है, ये एक बार आपने उसका जो प्रोफाइल कहाँ से ऊपर कहाँ पे नीचे होना चाहिए ये एक बार आपको समझ में आ गया, तो बाद में आपको खाली मट्टी भरना है। कोई भी चीज़ बनाने के पहले वो बहुत कठिन है, वो हमें कैसा आएगा ऐसे हर हर किसी के मन में आता है। जब मैं भी शुरू में ये सब काम करता था तो मेरे मन में भी शायद आता होगा। एक्चुअली मुझे ये याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 2-4 साल का था, तब से इस लाइन में ये काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को शायद ये बहुत आसान लग रहा है। आप से ये 3D है, देखो जब देखोगे तो पेट का आकार दिखेगा, पीछे से देखोगे। अभी आपके हाथ में जितना भी आर्ट है उसका वो आर्ट आप इसमें उतार सकते हो। अच्छे से बनाओ, करने की कोशिश करो, आपको जरूर आएगा। मैंने सबसे पहले आपको जो सबसे सिंपल था वो दिखाने की कोशिश की है कि आप करना तो चालू करोगे। अभी पूंछ बनाना है तो उसको, जैसे अभी ये घोड़ा है तो इसकी पूंछ कहाँ से शुरू होती है ये देखो, ये पूंछ यहाँ से शुरू होती है, तो उसको वहाँ से चालू करो, अच्छे से चिपका लो। पहले तो ऊपर जाती है, बाद में नीचे आती है, फिर फैलती है। कैसा है, हम लोग जब एनिमल्स बनाते हैं तो उसको गौर से देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ये पूंछ यहाँ से निकलने के बाद अगर आप यहाँ पे चिपका दोगे तो सपोर्ट मिलता है। अभी घोड़े की पूंछ यहाँ से निकली है तो गधे की भी शायद यहाँ से ही निकलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, थोड़ा बहुत साइज़ में फ़र्क रहेगा, तो घोड़ा और गधे का फ़र्क दिखने में आएगा। इसके ऊपर ध्यान रखो। अभी ये आप देखोगे तो ये घोड़े के जैसा दिखना चालू हो गया। अभी आप धीरे धीरे इतना इसमें जितना डिटेल्स डालना चालू करोगे वो अच्छा दिखेगा ही। अभी हम लोग फेस बनाते हैं। दूसरा तरीका एक मैं अभी आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले इसको यहाँ पे रख के कोरनी से मार्किंग कर लिया, दूसरा तरीका यह है कि ये पिक्चर नीचे रखो, पहले ये पहले पिक्चर नीचे रखो, बाद में इस पिक्चर को आप देख नहीं सकते हो। तो अगर आपको पिक्चर नीचे रख के काम करना है तो आप दो जेरोक्स निकालो, एक जेरोक्स आपको दिखने के देखने के लिए और दूसरा जेरोक्स ये पेपर के ऊपर रख के करने के लिए। तो ये पेपर मैंने रख दिया है, धीरे धीरे इसको एक, अभी मैं आपको फिर से एक मट्टी लेके दिखाता हूँ। ये पेपर के ऊपर आप ये मट्टी ऐसा चपटा चपटा चिपकाना चालू करो, पूरे आउटलाइन के ऊपर मट्टी चिपका दो, जितना पोर्शन आपको बनाना है। जैसे आपने मट्टी लगा दिया, अब मैं पूरी मट्टी लगाता नहीं हूं क्योंकि मैंने आपको पूरा बोल दिया है। ये पूरा इस जगह पे मट्टी लगा देंगे आप, फिर आपका जैसे मैंने वो हाथ से बना के प्रोफाइल बनाया था यहाँ से वहाँ से वैसा आप देखो, और इस पोर्शन के ऊपर ये ऐसा होने तक आप उसको कर दो। ये एक दूसरा तरीका है, देखो ये आसान हो जाएगा शायद। फिर उसको आप जैसे मैंने प्रोफाइल बनाया था वैसा आप करके ये घोड़े को आप बना दो। अभी ये मैं आपको घोड़े का फेस दिखाऊंगा। और पेपर के ऊपर लेने के वजह से नीचे चिपकने का भी कोई डर नहीं रहता है। तो आप कभी भी काम करोगे तो नीचे पेपर रख के काम करो, तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। अभी हम घोड़े का फेस बनाने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये मैंने आपको
दिखाया कि घोड़े का पीछे का पोर्शन कैसा बनाते हैं। तो मेरे पास जो पिक्चर है घोड़े का फेस का वो बहुत छोटा है, तो मैं शायद उसको अच्छे से बनाने के दिखाने के लिए आपको थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। ये लगभग 1.5 इंच का फेस है। आपको जो प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले फेस बनाने में, चपटा रख के अगर आपको उसको बनाना चाहते हैं घोड़े के फेस के ऊपर, तो ये चपटा बना दिया। अभी मैं जो पहला वाला तरीका था उसी तरीके से आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा जेरोक्स नहीं है जो कि मैं आपको समझा सकूं। ये मैंने चपटा बना दिया है पहले। ये चपटा बनने का भी एक तरीका है, यहाँ से ठोको फिर उल्टा करो, फिर यहाँ से ठोको फिर उल्टा करो, ठोक ठोक के फिर चपटा बनाओ। ये बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ये घोड़े का फेस रख दिया। अभी पॉइंटर टूल, जैसे मेरे पास ये है, तो मैं इससे इसको मार्किंग कर लेता हूँ। अब ये फेस है तो बहुत अच्छे से मार्किंग करना है। हम लोग यहाँ तक बनाएंगे उसको। अब ये आउटर लाइन जो है, कोई भी फिगर का आउटर लाइन बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वो आप अच्छे से मार्किंग करो। ये अच्छे से मार्किंग होने के बाद वो कौन से साइज़ का है उसी साइज़ का आप फोटो निकालो। जिस साइज़ का आपको बनाना है उसी साइज़ का आपको फ़ोटो होना चाहिए, तो आपको ये मार्किंग का फ़ायदा होगा। एक बार आप इस तरीके से बनाना चालू करोगे आपको धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा, फिर आप उसको इससे बड़ा भी बना सकते हो। आपको एक बार फेस कैसा होना चाहिए, कैसा बनता है फेस, ये आपको एक बार पता चल गया तो बाद में आप। अब ये मैंने यहाँ से पूरा पेपर को भी फाड़ दिया है। फिर अपने को फेस कितना बनाना है, तो ये मैंने फेस का अंदर से खाली आउटलाइन के लिए मैंने मार्किंग कर दी है, क्योंकि ये पेपर निकालने के बाद आपको कान कहाँ करना है। ये जैसे ये मैंने फेस यहाँ से करना है, इसका मार्किंग कर दिया। फिर मैं आँख के यहाँ पे एक थोड़ा मार्किंग कर रहा हूँ, कान के यहाँ एक मार्किंग कर रहा हूँ, नाक के यहाँ मार्किंग कर। ये सब मार्किंग करने के बाद मैं पेपर निकाल दूँगा। जितना आराम से पेपर निकालोगे उतना अच्छा है, आपको एक ही पिक्चर रहेगा आपके पास, तो उसका बाद में जाके फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जेरोक्स निकालने के लिए टाइम नहीं रहेगा। कोई करके देखना चाहता है तो आपको वही पिक्चर को संभालना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने कैसे भी करके इसको निकाल दिया है, और ये जो मिल गया है वो अपने को उसका आउटर लाइन मिल गया। अभी उसको डेवलप कैसे करना है, तो जो नेक रहेगी घोड़े की वो पीछे रहेगी और फेस रहेगा ऊपर। अभी मैंने मट्टी बना के उसको बाद में पहले रख दिया था, तो वो थोड़ी सूख गई है, तो उसको पहले मैं फिर से थोड़ा चिकना बनाऊंगा। आप भी ऐसा ही बनाइए, क्योंकि मट्टी स्मूथ होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने फिर से मेरे हाथ साफ़ कर लिए हैं। जैसे हम लोग ने पीछे का पोर्शन बनाया था घोड़े के मांडी और ये, वैसे घोड़े का फेस का पोर्शन भी ऐसा ही बनेंगे। थोड़ा ज़्यादा मट्टी लेके आपको दिखे, आपको समझ में आए, इसके लिए थोड़ा धीरे धीरे बनाने का प्रयास करूँगा। छोटा भाग जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया,
फिर उसको यहाँ पे कट कर दिया। अभी जैसे ये जो घोड़े का पोर्शन है वो पूरा साइड से भी नहीं है और पूरा आगे से भी नहीं है, तो मैंने ये सेंटर के पोर्शन को उसको लगा दिया है। बाद में इसका नाक जो बनाना है वहाँ पे छोटा सा मट्टी लगा दिया है। मैं कोशिश करूँगा आगे जाके कि मुझे बड़ा पिक्चर मिले घोड़े का, या तो मैं इनलार्ज करके आपको दिखा सकूँ। थोड़े थोड़े टुकड़े कट करके मैंने यहाँ पे चेहरे के ऊपर लगा दिए हैं। अभी चेहरे का जो पोर्शन है दूसरा, हमें हमेशा ये देखना है कि अपना जो लाइन आउटलाइन जो हमने पहले दिया है उससे वो ऊपर नहीं जाए। देखो अभी मैंने बड़ा मट्टी बनाया है, यहाँ पे रखने के बाद उसका आउटलाइन जा रहा है, तो उसको निकालेंगे, उसको पतला करेंगे। बराबर लाइन के ऊपर लगाएंगे। ये लाइन घोड़े के फेस का दूसरा भाग होने के वजह से वो नीचे रहेगा। फिर ये और ये लाइन को हम मर्ज करेंगे। हमें ये याद रखना है कि हमने पहले जो लाइन बनाई है किसी भी हाल में उसको चेंज नहीं करना है। मिट्टी में काम करने वाले लोग जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनका एक कहना है कि मिट्टी का काम करते समय आप 10 बार 100 बार सोचो, बाद में मिट्टी लगाओ। लगाने के बाद ज़्यादा करके वो निकालने का टाइम आना नहीं चाहिए। इतना अच्छे से सोच के काम करो तो आपका काम बहुत अच्छे से बनता है। तो जैसे मैंने इस साइड का पोर्शन बना दिया है, अभी अपने को घोड़े का चेहरे का पोर्शन बनाना है। तो मैं बहुत छोटी छोटी मिट्टी लेके यहाँ पे थोड़े थोड़े बूंद के जैसा लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पोर्शन है फेस का वो इस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर वो इस लाइन से आगे गया तो वो घोड़े का फेस इतना अच्छे से नहीं दिखेगा। तो आपके बहुत ध्यान से छोटा छोटा मिट्टी करके, अगर आप एमसील में या दूसरे कोई मीडियम में काम करते हो, जैसे मूर्ति का क्ले आता है, शिल्पकार उसमें काम करते हो, तो आपको बहुत सोच के लगाना पड़ेगा। और ये मैंने जैसे अपने मेरे उंगली से भी छोटा ये शेप है, तो मैं उसको ये टूल से लगा रहा हूँ। ये टूल आपको कैसे करने है कि आपके घर में आइसक्रीम की काढ़ी रहती है, वो काढ़ी से आप ये टूल को बना सकते हो। अभी ये मैंने पूरा पोर्शन जो आउटलाइन था वो भर दिया है। अभी जो आँख का मैंने खड्डा बनाया था, अगर काम करते करते आपका आँख का खड्डा निकल जाएगा, तो जो बहुत कम काम करते हैं उनको इस अनुभव नहीं है वो आँख कहाँ करनी है उसका प्रॉब्लम है। तो एक बड़ा सा आँख वहाँ पे मैं ऐसे टेम्पररी लगा देता हूँ कि यहाँ पे अपनों आँख बनाना है। एक्चुअली आँख इतना बड़ा नहीं रहेगा, वो छोटा रहेगा, लेकिन उसका मार्किंग निकल नहीं जाए इसके लिए मैंने वो रख दिया है। तो जैसे मैंने मट्टी, अभी मैं मट्टी भी हाथ से नहीं ले रहा हूँ, इससे ले रहा हूँ, और धीरे धीरे हम ये चेहरे को डेवलप कर रहे हैं। अगर चेहरा बड़ा बनाना है तो आप यही मट्टी आप उंगली से लगा सकते हो। मट्टी आराम से मेरे टूल के ऊपर आ रही है और मैं उसको आराम से लगा पा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना। कौन कौन सी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे? आपका कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप अभी ऑनलाइन पूछ सकते हो। मेरी बेटी मेरे बाजू में है, मैं उसको, वो मुझे बताएगी, मैं आपको उसका आंसर हो सके तो अभी क्या अभी देने की कोशिश करूँगा। ये पूरा पोर्शन को हम लोग ने मिट्टी लगा दिया है।
ये होने के बाद अभी हम लोग कान का मार्किंग किया है, वहाँ पे कान के लिए छोटा सा मट्टी लगा देंगे। और दूसरा कान यहाँ पे था, अभी ये कान के नीचे थोड़ा सा मट्टी हम लोग उसके जो बाल बनाने हैं तो हमें ज़रूरी है, तो यहाँ पे मट्टी लगा सकते हैं। इसको भी मैं टूल से शेप दे रहा हूँ, जैसे घोड़े के बाल थोड़े यहाँ पे भी है तो इसको भी थोड़ी सी मैं मट्टी लगाऊंगा, फिर उसको एक दूसरे में मर्ज करके रखूँगा। ज़्यादा करके आपको दो फोटो रहेंगे, ऐसी चीज़ शुरू में बनाओ ताकि आपके पास देखने के लिए रहे कुछ। अभी ये मैंने कान थोड़ा मजबूत बनाया, क्योंकि थोड़ा सा शेप करते करते अगर उसका शेप चेंज होता है तो हम उसको अच्छे से नहीं बना पाते हैं। इतना बनने के बाद आपको यहाँ से, अब ये जो है नेक यहाँ ऊपर रहेगा और यहाँ नीचे जाएगा, पीछे के बाजू में जाएगा, तो इस पोर्शन को हम कहीं पे भी नहीं मिट्टी लगाएंगे, खाली इतना सा ही मिट्टी लगाएंगे, वो भी एकदम कम, जो फेस से कम रहेगा, फेस की लाइन लेवल से ऊपर नहीं रहेगा। अगर आप इसको साइड से देखना चाहते हो तो ये है फेस और ये नेक है, वो इससे भी नीचे ही रहेगा, एकदम मामूली सी मिट्टी हमें लगानी है। अभी आप ये चेहरा देखो, जैसे यहाँ का पोर्शन फटा हुआ है, ये यहाँ पे कुछ नाक है, ये नाक का शेप देने के बाद अभी आपको इसको मर्ज करना है। इनिशियल स्टेज के ऊपर जो भी काम होता है वो अभी अपना बन गया। अभी मैं ये मट्टी साइड से निकाल देता हूँ। मट्टी बाद में निकालने का कारण यह है, जब मट्टी कम छोटी कम क्वांटिटी में रहेगी तो अभी धूप चालू है तो धूप के समय पे वो सूख जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा टाइम तक बड़ी से बड़ी, यानी इतना छोटा भी चेहरा आपको करना है तो इतने जाड़े मिट्टी के ऊपर उसको आराम से रख दो, तो ऊपर की मिट्टी सूखेगी नहीं, बाद में चाहिए तो उसको चिपकाओ मत, ऐसे आराम से निकाल सको और लगाओ, ऐसे करो। अभी आपकी आउटलाइन आप मिस नहीं करना है, ये आउटलाइन के हिसाब से मैंने इसको कट कर दिया। अभी जो हम लोग ने मिट्टी लगाई, अभी आँख, अभी ये पूरा साइड का बन गया है, अभी अपने आँख बनाने हैं, तो ये जो पोर्शन है मैंने जो खाली मार्किंग के लिए रखा था वो अभी मैं निकाल रहा हूँ। अभी आँख बनाने के पहले जहाँ पे आँख बनेगी वहाँ पे एक खड्डा बना के लेंगे, ये घोड़े के गाल का पोर्शन रहेगा। कोई भी काम करने से पहले अपना टूल साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये मेरा टूल है जिसको मैं अच्छे से साफ कर रहा हूँ। अभी ये उसका फोरहेड रहेगा। शुरू से अब तक मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है इसमें, फिर भी उसको आकार आना चालू हुआ है।
अभी जो लाइन था वो मैंने मर्ज कर दिया है। अभी ये बनाने के पहले मेरे पास घोड़े के जो दूसरे पिक्चर्स है वो आप देखिए, घोड़ा साइड से कैसे दिखता है, क्योंकि ये जो चेहरा है, ये जो लाइन है आउटलाइन, ये देखो यहाँ से जो आउटलाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये नाक आता है, इसके बाद में ये छोटा सा पोर्शन होगा, बाद में इससे ये नीचे जाएगा। इस साइड से कैसे दिखता है, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन रहेगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये एक पोर्शन, फिर आँख रहेगी। ये बहुत बड़ा पिक्चर है घोड़े का, आँख कौन सी पोजिशन पर रहेगी, फिर उसका आगे का मुँह कैसे रहेगा, ये सब जो डिटेल्स है वो आपको देखने चाहिए और बाद में बनाना चाहिए। तो ये होने के बाद अब हम इसको अच्छे से नाजुक हाथ से शेप देना चालू करेंगे। ये जो नाक का पोर्शन है अभी हमने देखा, अभी हम लोग कान के डिटेल्स बना रहे हैं। मेरा आदत जो है, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा टूल लगाया, फिर उंगली से इसको मट्टी को साफ किया। अगर ये आप साफ नहीं करते हो तो आपका शेप देने में आपको प्रॉब्लम आता है। तो मट्टी का काम करते समय उसको जैसे आप शेप देते हो और उस टूल को कुछ चिपकता है तो टूल साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लगभग चेहरा बनके, अभी ये पोर्शन से नीचे ये पोर्शन है, तो उसको यहाँ से मिट्टी आपको निकालनी है। अभी जैसे लॉकडाउन है तो गणपति का सीज़न रहेगा और बहुत लोगों को गणपति बनाने, घर में गणपति बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, या तो अपने घर का गणपति खुद को ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ आसान तरीके, गणपति कैसा बनाया जाए, हम गणपति घर में बना सकते हैं क्या, उसके लिए जो भी कुछ रहेगा उसके लिए भी मैं वीडियो शायद देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप भी मुझे बोलिए, तो मैं सबसे पहले वो ही करूंगा। आपका रिप्लाई जैसे रहेगा वैसे मैं वो चीज़ें पहले पहले बताते जाऊंगा। अभी ये धीरे धीरे मैंने यहाँ का मट्टी निकालना चालू किया है। अभी ये घोड़े का जो पोर्शन था वो नेक का पोर्शन हो गया है। अभी हम लोग बनाएंगे आँख, जैसे आँख का खड्डा मैंने बना के रखा था, घोड़े की आँख जो है ये उसका ऊपर का पोर्शन है। बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। ये खड्डा एक बार आपने बना दिया, छोटा सा मट्टी लो जो इस खड्डे में चला जाए। जैसे पहले मैंने ये रख के देखा, बहुत बड़ा लग रहा है। वॉल पुट्टी पसंद पण हो सकता का सा विचार? वॉल पुट्टी से भी हो सकता है, उसमें आप अगर फेविकॉल डाल देंगे तो वॉल पुट्टी से भी ये हो सकता है।
अब ये छोटा पोर्शन जो है आँख का, मैंने इसको इस साइज से अंदर डाल दिया है। वॉल पुट्टी में आप पहले तो पानी मिलाइए, पानी मिलाने के बाद उसको मट्टी के जैसा कड़क कीजिए, जैसे ये मेरा मट्टी है वैसा बनाइए। मैंने आज तक वॉल पुट्टी से कभी बनाया नहीं है, लेकिन वॉल पुट्टी से बन सकता है, खाली उसमें क्रैक आने की संभावना है। तो अभी मैंने उसमें आप फेविकॉल डालेंगे तो क्रैक आने के चांसेस कम है। फेविकॉल या कैमलिन का गम, फेविकॉल डालने से अच्छा है कैमलिन का गम डालिए, क्योंकि फेविकॉल अगर आपको डालना है तो एमआर डालना पड़ेगा, फेविकॉल एमआर, जैसे अपने दुकान में जो मिलता है वो फेविकॉल एमआर ही रहता है। और अभी तो ये विश्लेषण देखो, जैसे फेविकॉल है इसमें फेविकॉल एमआर ऐसा लिखा आता है, ये वाटर सोल्यूबल रहता है, इसकी वजह से वे पानी में आसानी से मिक्स होता है, इसके लिए आप कैमलिन या किसी भी कोई भी गम डाल के भी करके देखिए, वो करने करना नहीं करना क्योंकि उसमें शायद क्रैक आते हैं, आप करके देखिए अच्छे से रहता है तो। लेकिन आपको अगर कुछ सीखना है, वो रहे नहीं रहे उसका कुछ आपको फ़र्क नहीं करता है, तो आप कर ही सकते हो, 100% कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चेहरा हो गया, अभी वो मैंने गोल रख यहाँ पे रख दिया है। ये मेरा टूल आप बराबर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहाँ से चपटा है, यहाँ से आगे है, उसको खाली दबाना है, बस दो पॉइंट से उसको दबाना है बस। ये बना, दबाने के बाद आपको खाली उसको तो ये बनता है आग। अभी हम लोग ने जो योग पहले कान कान करके रखा था, अभी ये हम लोग इस पोर्शन में ये घोड़ा देखा था, तो ये पोर्शन में हमने बनाया है। अभी इसी घोड़े को हमें साइड पोर्शन से बनाना है, तो कैसा बना सकते हैं? पहले तो हम इसके बाल बना देंगे, तो ये उसके बन गए बाल, तो उसको और अच्छा दिखता है। फिर उसको ही टूल से उसको बाल के लाइंस मार देंगे, फिर यहाँ के जो बाल है वो ये बनते हैं। अभी हमें इसी फेस को साइड, ये जैसे ये फेस था इस एंगल से हमने बनाया था, पिक्चर के हिसाब से हमने बनाया था, तो इस एंगल से अभी इस फेस को हम लोग को साइड एंगल से बनाना है। तो ये अपने पास एक साइड एंगल है, ये जो है ये साइड एंगल है, ये भी साइड एंगल है, तो इस साइड एंगल, लेकिन ये उस साइड का है, यानी ये लेफ्ट का है, मैंने राइट का बनाया है, ये ऊपर का है वो राइट का है, तो हम राइट का इसी घोड़े के फेस को हम राइट का शेप बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये मैंने उसको रख दिया है, अब ये मैं पूरा साइड का मट्टी निकाल देता हूँ, यानी अभी ये नेक है वो सीधा हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। अभी साइड से बनाते समय पहले तो आप ये पिक्चर देख लीजिए, ये पोर्शन टॉप है, बाद में ये थोड़ा नीचे गया है, बाद में इसके नीचे ये है, फिर यहाँ पे खड्डा आता है, फिर ये पोर्शन सीधा होता है, यहाँ से ये होके फिर ये फेस का आकार आ जाता है, बाद में ये खड्डा है, इसके सामने आँख है, साइड से ये फेस ऐसे दिख रहा है। अभी घोड़ा आप बोलेंगे तो बहुत सारे जाति के घोड़े आते हैं, तो घोड़े की आपको जो उस जो कौन सी जाति का रहेगा उसके ऊपर उसका फेस थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है लेकिन फ़र्क रहता है। तो हम लोग अभी साइड से देखेंगे, हमको इस आगे का चेहरा था, अभी साइड से उसको कैसा करना है। तो अभी मैं साइड से कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको जो बोला था उसको मैंने अभी शेप देना चालू करता हूँ।
बाद में जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि मिट्टी का काम करते समय हम लोग चारों साइड से देखेंगे, तो जैसे मैं एक ही साइड से बना रहा हूँ तो ये सामने से कैसे दिखता है आप देखिए, सामने से पोर्शन ऐसा है तो उसको अपने को यहाँ तो चेहरा का लाइन हम लोग मार लेंगे कि कहाँ से उसका मुंह रहेगा। अब ये कोरोनी को मिट्टी लग गया है, तो सामने से देखो कैसे दिखता है, अभी उसको थोड़ा सा शेप देंगे। ये डिटेल्स है, ये आप शुरू में नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया साइड से पोर्शन, अभी उसको यहाँ से सीधा करेंगे, अभी ये जो पोर्शन है वो इसमें मर्ज हो जाएगा। ये साइड से होने के बाद अभी हम उसको ये यहाँ से बढ़ा देंगे। फिर नेक नीचे आ जाएगी, ये हम लोग अभी साइड से बनाने के हैं तो निकाल दिया। या इसे काम करने समय से हिल रहा है, इसके लिए मैं यहाँ से उसको मटकी लगा के ले लेता हूँ ताकि वो हिले नहीं। बच्चों को मट्टी से कैसे खेलना है, बच्चों को मट्टी में वो मोबाइल नहीं देखे और घर में ये मट्टी से खेलते रहे, उनका मन बहलता रहे, इसके लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती हो। इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बोलूँगा कि आपके घर में जो आटा रहता है, रोटी बनाने का आटा, अभी ये घोड़ा पूरा दिखाने के बाद मैं आपको ये बोलूँगा, वो आटे से आप छोटा छोटा ब्रिक बनाओगे घर में, अपने बच्चों को बोलेंगे कि ऐसा चौकोन कुछ करो, उसको दबाओ और जैसी ईंट रहती है अपनी ईंट ब्रिक्स, वैसे ब्रिक्स बनाने को उनको बोलो। ये बहुत टाइम लेने वाली बात है तो वो खेलते रहेंगे उसमें, और ये ब्रिक्स बनाने के बाद एक के ऊपर एक रख के उनको दीवार बनाने को सिखाओ, बाद में खिड़की, बाद में दरवाज़ा, ऐसा बनाने का सिखाओ तो उनका मन बहल जाएगा, उनको टाइम पास मिल जाएगा। अभी हम लोग आते हैं घोड़े के ऊपर फिर से। अभी घोड़े का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जैसे हमने ये अभी बनाया, अभी कान, ये जो घोड़े का कान है वो ऊपर रहेगा और ये पोर्शन नीचे रहेगा, तो ये हम लोग इसको दबाते हैं। अभी आपको ये पता चला रहेगा कि घोड़े का साइड का पोर्शन और सामने का पोर्शन, पहले हम लोग ने सामने से बनाया, अभी साइड के पोर्शन में हम लोग क्या क्या चेंज कर रहे हैं। तो ये साइड के पोर्शन में हम लोग चेंज कर रहे हैं, 3D मतलब यही, ये अभी ये मैंने उसको नीचे से बना दिया। फिर यहाँ पे इस लाइन से, मैंने पहले ही बोला था, इस लाइन से स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आँख, तो ये आँख हो गई। तो ये अभी हम लोग यहाँ से उसको कट करेंगे, फिर ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आया है उसको कट करके नेक का पोर्शन अच्छे से बना देंगे। अभी ये जो काम है, जैसे मैंने आगे से, मैं आपको दिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन इसमें मेन जो बात है, अभी ये साइड से अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन ऊपर है, ये जो लाइन है ये ऊपर है, इससे ऊपर ये है, बाद में इस ऊपर टॉप पोर्शन से फिर से नीचे नीचे आना चालू हुआ है। मैं लंबा एक फूल लेता हूँ आपको दिखे, ये पोर्शन
नीचे है, इसके ऊपर ये है, बाद में ये नीचे है, अगर इस इस पोर्शन से आप देखोगे साइड से तो ये है, ये जब तक नहीं आता है तब तक आपका घोड़ा 3D नहीं दिखेगा, तीनों साइड से अच्छा नहीं दिखेगा। अभी जैसे हम लोग ने आग बनाई है उसको हम लोग अभी डेवलप करते हैं, तो ये आग बनाने के बाद ये जो पोर्शन रहता है वो क्रॉस हो जाता है, खाली उसका जो नेक है वो चेंज होने के वजह से कितने सारे चेंजेस उसमें आते हैं वो देखिए, इसको ही 3D बोलते हैं। आपने थोड़ा भी चेंज किया तो पूरा फेस बदल जाता है। शायद ये जो फेस है वो मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज के सेशन का ये लास्ट रहेगा, मैं उसको अच्छे से फिनिश करके, चारों साइड से फिनिश करके आपको ये जो बनाया हुआ चेहरा है वो कल आपको मैं दिखाऊंगा कि ये फाइनली कैसे बन गया, तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। कल मैं आपको क्या दिखाऊं, ऐसा अगर आपको कुछ लगता है कि आप हमें ये चीज़ सिखाइए, तो अगर आप हमें बोल देंगे कि आप ये दिखाइए तो मैं वही चीज़ पहले आपको दिखाऊंगा, इसको उसके आसान तरीके कैसे कर सकते हैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा। तो कल 10 बजे हम फिर से मिट्टी से बनाने की चीज़ें, इसके ऊपर लाइव वीडियो में कल आऊँगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहेगा ये तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछिए, मैं वो बोलूँगा, या तो आप चैट करेंगे तो भी मेरी बेटी मेरे बाजू में बैठी है, वो आपको आंसर, उसको जैसे समझे वो आपको दे देगी। जैसे ये कान, एक साइड का कान हो गया, दूसरे साइड का कान हम लोग बनाएंगे। अब ये पूरा तो फेस मैं कल आपको बना के दिखाऊंगा ही, अभी आप अगर इसको इस साइड से बाल भी बनाओगे तो वो अच्छा अच्छा होते जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, आपने मैंने जो वीडियो दिखाने की कोशिश की आपने आराम से देखा रहेगा, इसके लिए आपका धन्यवाद। गणपति के बारे में और किसी के चेहरे के बारे में आपको कुछ जानना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, मुझे टाइम रहेगा तो मैं उसी वक्त आपको उसका आंसर दे दूँगा, नहीं तो आप मेरे को कभी भी ये पूछ सकते हो। आपको जो घर में बैठे बैठे कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो दिया है, आपको अच्छा लगा ऐसा मैं मान के आपको धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।